हाय एवरीबॉडी, ये आपके सामने दो टाइगर किंग क्रीम की स्ट्रिप हैं जिसमें एक असली है और एक नकली है। इसी की पहचान के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप असली ही खरीदें, नकली ना खरीदें। नकली से साइड इफ़ेक्ट और माल कम और भी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए मार्केट से असली ही खरीदें और इसी से रिज़ल्ट मिलेगा और यही से आपको अच्छा रेस्पॉन्स भी आएगा। तो इसमें हम आपको कुछ पहचान बताने जा रहे हैं, जिसमें पांच पहचान असली और नकली की आपके सामने लेकर के आए हैं। तो पहली पहचान हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है असली को लेते हैं, असली में जब आप इस तरीके से आप इसको करेंगे तो 3D में आपको हार्ट वाली, दिल वाली 3D दिखाई देगी, लेकिन नकली को करेंगे तो इसमें आपको किसी भी तरह की 3D नहीं दिखाई देगी, ये नकली होगा। इसकी दूसरी बड़ी पहचान, जब आप ओरिजिनल स्ट्रिप लेंगे और इसके नीचे जाएंगे तो ये कि एक मशीन से कटिंग होती है, ये फोल्ड नहीं होती, मशीन ही खुद कट करती है और इसको पेस्ट करती है और एक दांती की तरह पर कटिंग आती है, लेकिन नकली में आपको ये फोल्ड हुआ होता है और कोई भी कटिंग नहीं है मिलेगी आपको, एकदम चिकना होगा ये नकली वाला। असली वाले में चिकनाहट नहीं होगी, ये कटिंग होगी। तीसरी पहचान इसकी, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नक्कालों से सावधान, असली की पहचान के लिए कूपन को स्कैन करें, केवल प्रिंटेड डिब्बी ही खरीदें, लेकिन नकली में नक्कालों से सावधान, केवल प्रिंटेड डिब्बी ही खरीदें। अब हम इसकी चौथी बड़ी पहचान बताने जा रहे हैं जिससे दूसरे मोबाइल की हेल्प लेंगे। कोई सी भी QR कोड ऐप लेंगे आप तो आप जैसे ही इसको स्कैन करेंगे, देखिए हम इसको ओरिजिनल वाले के QR कोड को स्कैन कर रहे हैं, जैसे ही स्कैन करेंगे किसी भी QR कोड से या पेटीएम से तो आपको इस पर लिखा आएगा बधाई हो, आपने असली टाइगर किंग क्रीम ख़रीदा है। ये देखिए आया, बधाई हो आपने असली टाइगर किंग क्रीम ख़रीदा है, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही नकली वालों को आप स्कैन करोगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा आएगा, नकली वाले को स्कैन करने पर आपके सामने ये एक फार्म खुलेगा और ये इसे फिल कराएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा जो कि ये फेक है। असली पे डायरेक्टली लिखा हुआ है बधाई हो आपने ओरिजिनल टाइगर किंग क्रीम खरीदा है, लेकिन नकली पे ये मांगेगा और इसके आगे भी और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इनसे सावधान रहें। अब हम आपको इसकी चौथी बड़ी पहचान बता रहे हैं कि असली वाले पर जिसकी MRP जो होती है वो 390 रुपया, नकली वाले की MRP जो होगी वो 273 रुपया, ये इससे मिलती जुलती और भी हो सकती है। अब इसकी हम चौथी बड़ी पहचान, पांचवी लास्ट बड़ी पहचान बताने जा रहे हैं। एक डिब्बी हम नकली की लेंगे और एक असली की लेंगे, आपके सामने खोलते हैं एक डिब्बी इसकी। इसमें दो डिब्बी खुले हुई हैं ऑलरेडी पहले से क्योंकि मार्केट से ख़रीदा है, लेकिन हम आपके सामने एक नई डिब्बी खोलेंगे। ये देखिए, और इसे खोल के आपके सामने दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है, डिब्बी क्या माल है। एक असली की खोलते हैं, अब ये भी नया, सॉरी दूसरी खोल लेते हैं, वो गिर गई। ये देखिए, ये डिब्बी देखिए, ये बड़ी डिब्बी होगी और माल भी दुगना होगा, देख लीजिए आप, दो गुने से भी ज़्यादा माल है असली वाले में, नकली वाले में आधे से भी कम माल है कहने का मतलब। तो ये फ्रॉड कर रहे हैं और इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा नकली वाले से, रिजल्ट असली से ही आएगा। कस्टमर के जो पैसे वसूल होंगे वो असली से होंगे, ना कि नकली से होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 100 ग्राम मार्केट से नमकीन खरीदें और 40 रुपये दें तो उससे आधे नमकीन 50 ग्राम तो 20 रुपये में मिलने चाहिए, और ये आधे से भी कम है। अगर आप कस्टमर इसके देता है 60 रुपये तो इसके 30 रुपये देने चाहिए, लेकिन 30 से भी कम देने चाहिए, और फिर भी उसे सर्टिफिकेशन ना मिले तो आपको भी गाली देगा, कंपनी को भी गाली देगा। इसलिए कहने का तात्पर्य, निष्कर्ष ये निकलता है कि ओरिजिनल ही टाइगर किंग क्रीम खरीदें और कस्टमर को पूरा भरोसा दें, आपकी अपनी ओरिजिनल टाइगर किंग क्रीम जो कि आपको पहचान बताई गई है वही आप खरीदें, नकली से बिल्कुल बचें, ये असली, बाकी सब नकली।
ओके, धन्यवाद एवरीबॉडी।